बीते कल एडवोकेट विशाल सैनी 2022 दे विच दर्ज एक मामले दे चलदिया पुलिस वल्लों गिरफ्तार किया गया सी। गिरफ्तारी तो बाद एडवोकेट विशाल सैनी अदालत विच पेश किया गया ते दोवां पक्षां दीआं दलीलां सुनन तो बाद अज जज वल्लों एडवोकेट विशाल सैनी जमानत दे दित्ती गई, जिसनू लैके नंगल दे वकील भाईचारे विच खुशी देखण नू मिली ते उन्हां वल्लों लड्डू वंड के इस खुशी का इजहार किया गया। तो इस मौके गलबात करदे आं एडवोकेट परमजीत सिंह पम्मा ने की कहा, आओ सुनदे आं। नंगल सिटी अपडेट लई अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, अज जिहड़ा विशाल सैनी दे केस दे विच मानयोग अदालत दे विच अज साडी जिहड़ी जमानत लगी हुई सी मैडम श्वेता ठाकर जी दी कोर्ट दे विच लगी हुई सी इलाका मजिस्ट्रेट JMIC दी, ते अज सारी बार एसोसिएशन दे वकील साहबान नंगल दे पेश होए अपने विशाल सैनी जी वल्लों ते अपने कानूनी पक्ष रखे गए कि किस तरह पुलिस वल्लों नवंबर 2022 दे विच जिहड़ा परचा दर्ज किया गया सी उहदे मामले दे विच अननोन परचे दे विच जिहड़ी अज उह इन्हां ने अरेस्ट पाई जो कि टोटल इलीगल है, ते इह वी पक्ष रखा गया कि किस तरह पुलिस कचहरी दे विचों विशाल सैनी उहनां नूं इत्थों लैके गई ते जिहड़ी आपां उहनूं कहिंदे कि लीगल भाषा च किडनैप करके लैके गई। सानूं कानून वल्लों सानूं राइट्स दित्ता जांदा, हक दित्ता जांदा कि असीं कोई रेपिस्ट है, कोई कातल है, कोई मर्डरर है, असीं उहदी वी राइट दे अंदर राखी करदे, पर जदों सानूं इत्थों अदालतां चों चक्किया जावे इह बड़ी माड़ी गल है। ते उहदे विच बार एसोसिएशन ने अज जिहड़ी मानयोग जज साहब ने साडे दोनों पक्षां दे जिहड़े वकील साहबानां दे पक्षां नूं सुणदे होए अज जिहड़ी बेल है उह विशाल सैनी दी अलाउ कीती 50,000 दे मचल के, ते बार एसोसिएशन वालों अज मते पास किए गए जिन्हां मतियां दे विच एक मता पास किया गया कि जिहड़ी पुलिस ने कल साडे पुलिस मुलाजमान ने विशाल सैनी नूं इलीगली इत्थों लैके गए उन्हां दे खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिहड़ी चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा ते साडे जिहड़ा DIG रोपड़ इन्हां नूं सारिआं नूं अज मेल कीती गई, अपनी शिकायत कीती गई, मिलके भी शिकायत देवांगे कि जिन्हां पुलिस अफसरां ने जिन्हां दे कहण ते साडे इत्थों इलीगली साडे वकील साहबान नूं उठाया है, किडनैप किया है, उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जावे। सानूं आस है कि चीफ जस्टिस साहब ध्यान देणगे, साडे सुनवाई करनगे, पर फिर भी कोई कमी रह जांदी तां असीं इहदी लीगल रेमडी लवांगे। ते असीं अज सानूं बड़ी खुशी है कि मानयोग अदालत ने जिस तरह कानूनी पक्ष नूं ध्यान च लिआंदा मैरिट्स दे आधार ते जिद्दां सानूं बेल अलाउ कीती, असीं मानयोग अदालत दे ऋणी आ ते मानयोग अदालत तों लोकां दा जिहड़ा कानून दे विच इंसाफ है इस फैसले नाल वधिया है, क्योंकि लोकां दी जिहड़ा लोकां दा विश्वास है उह अज वधिया है। ते बड़ी खुशी है वकीलां दे विच अज लड्डू वंडे गए, ते मैं आने वाले समय के कहना कि बार काउंसिल ऑफ जिहड़ी साडी नंगल दी एसोसीएशन सा ते अज रोपड़ भी नंगल भी ते आनंदपुर साहब भी इहदे विरुद्ध स्ट्राइक कीती गई, नोवर किया गया, ते आने वाले समय के जिहड़ा इह पर्टिकुलर केस है जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई है इहदे खिलाफ असीं लंबी लड़ाई लड़ांगे, लीगल लड़ाई लड़ांगे। कोई आपां इह नहीं कि कोई होलीगन्स वाली कोई शरारत वाली लड़ाई नहीं लड़ांगे, लीगल लड़ाई लड़के जिहड़े दोषी आ जिन्हां ने किडनैप किया उन्हां दे खिलाफ असीं कार्रवाई करवावांगे।